आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डाउट नेट यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द एपैर यूज टू स्प्लिट ऑफ द वाटर मॉलिकुल बाई इलेक्ट्रोलिसिस जो हम लोग एपेरेटिस यूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में वो कौन सा होता है ए में है इलेक्ट्रोलिटिक सेल बी में हॉफमैन वोल्ट मीटर सी में वोल्टा मीटर डी में नन ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है राइट right? इलेक्ट्रोलिसिस तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली डिकम्पोजिशन Decomposition of any substance into simpler substance, simpler substance by action of electric. करंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट के एक्शन से जब मेरा कोई भी सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोजिशन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की ही बात करूँ एस टू राइट तो एस टू में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो ये किसमें मेरा कन्वर्ट हो जाता है एस टू प्लस ओ टू बैलेंस इक्वेशन की बात करूँ तो टू टू राइट तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करेंट तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिस बोलते हैं राइट तो इलेक्ट्रोलिस में बेसिकली हम लोग कौन सा यहाँ पे अपैरेटस यूज करते हैं राइट तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपैरेटस जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलेटिक सेल यूज करते हैं ठीक है अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल में जब हम लोग वाटर को डालेंगे राइट तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट होता है राइट और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है यहां से मेरे को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर को कन्वर्ट कर देता है ऑप्शन इज करेक्ट राइट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थैंक यू सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर